की टीवी और ऋतिक रोशन की फिल्म आ सकती है लैपटॉप। वैसे इस फिल्म में सलमान खान एक चाइनीज बच्चे चाइना के दिखने वाले एक बच्चे को हेल्प करते नजर आए थे। इससे पहले वो बजरंगी भाईजान में एक पाकिस्तानी बच्ची को हेल्प करते नजर आए थे। मतलब मुझे तो लगता है सुषमा जी बेकार में विदेश मंत्रालय चलाने के लिए परेशान हो रही हैं। सारी विदेश नीति तो सलमान भाई ही देख रहे हैं। अब बस ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच तीस्ता जल विवाद सुलझा दें, श्रीलंका जाकर वहां से मछुआरे छुड़वा दें, नेपाल में मधेशियों का इशू सॉल्व करवा दें, म्यांमार जाकर उस आदमी को लेते आए जो अपनी बीवी से बस फोन पर बात कर पाता है। ये सारी चीजें बस भाई कर दें, इंडिया के सारे अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स वाले इश्यूज ऐसे ही सुधर जाएंगे। वैसे भाई के फैंस की क्या हालत है, मतलब चाइना से लड़ाई के नाम पर भाई ने जो चाइनीज माल टिकाया है, भगवान ही मालिक है। थैंक यू, नमस्ते, आगे बढ़े। चलिए भैया, फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल लिए। उन दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारे मोदी जी तो व्हाइट हाउस पहले भी जा चुके हैं। वैसे असली मजा तो तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम की ओर ले जा रहे थे और मोदी जी ने उनसे कहा कि लाइब्रेरी की तरफ से घूम के क्यों जा रहे हैं, वहां से लंबा पड़ेगा, सीधे सेंट्रल हॉल से चलिए, ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। और उससे भी ज्यादा मजा तब आया जब मिसेस ट्रंप से मोदी जी ने कहा कि आप तो यहां नहीं है, किसी चीज के लिए संकोच मत करिएगा। मोदी जी तो इतनी बार व्हाइट हाउस जा चुके हैं कि उनका एक टूथब्रश और आधी बोतल शैंपू हमेशा वहीं रह जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे, रौनक तुम देश के पीएम का मजाक उड़ा रहे हो। ना, मैं पीएम का मजाक नहीं उड़ा, मैं तो मजाक उन 65 भूतपूर्व अभूतपूर्व सांसदों का उड़ा रहा हूं जिन्होंने 2013 में अमेरिका को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मोदी जी को अमेरिका आने के लिए वीजा मत देना। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जी उनके सच्चे दोस्त, ट्रंप के ये कहते ही लोग ट्रंप से खफा हो गए, जिनमें से ये दो लोग भी थे। और कुछ लोग और भी थे जो ट्रंप साहब से खफा हुए, जो अक्सर ट्रंप साहब को उनके बर्थडे के दिन हिंदुस्तान में ही केक खिला देते हैं। फोटो देखिए। वैसे इन केक खिलाने वालों को तो ट्रंप ने कभी पूछा नहीं, और मोदी जी भी अक्सर यही कहते हैं, क्या मैं खाता हूं तो खाने दूंगा। और ट्रंप ने मोदी जी को अपना दोस्त बना लिया। बोलो, ये भी क्या कोई बात हुई ट्रंप साहब? वैसे मोदी जी और ट्रंप साहब जब मिले तो उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। बस ये सुनते ही नवाज शरीफ साहब पसीना पसीना हो गए। उन्होंने शिकायत भी की लोगों से कि अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लोगों ने उन्हें समझाया कि सर वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं। वैसे एक ही बात है, कहां फर्क पड़ता है? नवाज साहब क्या हुआ? मोदी जी और ट्रंप साहब के मिलने से पहले अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? पाकिस्तान की और वहां बैठे आतंक के सरगनाओं की हालत इस खबर को सुनने के बाद उस आदमी जैसी हो गई, उस मतलब इस आदमी जैसी हो गई जो ये समझ नहीं पा रहा है कि रोना तो चाहता है लेकिन रोना शुरू कहां से करे। वो देखिए, मोदी जी और ट्रंप साहब की मुलाकात के बाद पाकिस्तान कैसा फील कर रहा है और अपना हाल बयां करते हुए क्या गा रहा है, ये अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक इमोशनल अत्याचार वाली पेशकश, बैकग्राउंड से म्यूजिक भी आवाज आ रही होगी आपको, है ये सुनिएगा क्या गा रहा है पाकिस्तान। इतना वक्त बिताया, आपका अभिनंदन करता हूं। मोदी जी का
ट्विटर पे जरूर बताना। अब थोड़ा आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अभी अभी नासा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संयोजक और देश के राष्ट्रीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी कैसे चिल आउट करते दिख रहे हैं। देखिए आप, क्या बात है, इसे बोलते खेल की स्पिरिट। अगर ऐसी स्पिरिट हमारे क्रिकेट प्लेयर्स में होती तो वो इस बार पाकिस्तान को मौका मौका गाने का मौका नहीं देते। क्रिकेटर्स को छोड़िए, आप इस वीडियो में इधर से उधर उड़ती हुई उस चिड़िया शटल कॉक को देखिए। दिल्ली वालों को उस चिड़िया में खुद का चेहरा नजर आ रहा हो, मतलब वही दिल्ली वाले जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं। वैसे ऐसी बात नहीं कि केजरीवाल जी को सिर्फ बैडमिंटन पसंद है खेलना, बल्कि वो कई बार विक्टिम कार्ड भी खेलते नजर आए हैं या फिर जनता की भावनाओं से भी खेलते हुए नजर आए हैं। वैसे ये हमारे राष्ट्रीय सीएम है ना, इसीलिए इन्होंने अपने राष्ट्रीय खेल पर भी टेक्निकली वो राष्ट्रीय खेल नहीं है पर अपने राष्ट्रीय खेल पर भी हाथ आजमाया। मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ, नहीं पता आपको, ये देखिए आगे चलकर कोर्स की किताबों में ये बैडमिंटन वाला और ये हॉकी वाले वीडियो में 10 अंतर खोजने का सवाल आ सकता है। इन दोनों में 10 अंतर खोजिए। वैसे इन दोनों वीडियोस को देखकर ही ये समझ में आ जाता है कि ये एक ही समय बनाए गए वीडियो, क्योंकि केजरीवाल जी ने शर्ट एक ही साइज की पहनी है और दोनों शर्ट्स की डिजाइन भी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। वैसे इस वाली वीडियो को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि ये गर्मी के मौसम में बनाया गया वीडियो है, सर का मफलर मिसिंग है ना उस हिसाब से। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो खेल खेला है उसके सामने ये वाला खेल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन केजरीवाल सर को हॉकी में कोई नहीं हरा सकता। पूछे कैसे, भैया हॉकी में भी वही करना होता है जो सर जी हर दिन करते हैं, मतलब एक छोटी सी चीज को उठाओ और मार मार कर उछाल उछाल कर सामने वाले के पाले में डाल दो और अंत में नतीजा भी वही आता है, गोल गोल गोल। अच्छा लगा, तालियां, आगे बढ़ते, नमस्ते। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जलवा, हिंदी का जलवा सारी दुनिया में तब देखा गया जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीदरलैंड गए। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हिंदी में ये ट्वीट किया, देखिए। मतलब ये ट्वीट देखकर हर हिंदुस्तानी का रिएक्शन यही आया होगा कि इतना अच्छा लिखते हैं आप, इतना अच्छा लिखते हैं। लेकिन इस ट्वीट में एक गलती रह गई, दो देशों को पास आ जाना चाहिए, दो देशों की संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा, दिल और दिमाग, इन्हें भी पास आ जाना चाहिए। लेकिन इतना भी पास नहीं आ जाना चाहिए जैसे ये शब्द आपस में चिपक गए हैं। ऐसा लगता है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के फोन का टच खराब है, उसमें स्पेस बटन काम नहीं कर रहा है, तभी तो सब कुछ आपस में। वैसे कहीं कहीं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, लेकिन लग रहा है कि उन्होंने हिंदी अन्ना हजारे से लिखवाया। जो 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट अचानक से रद्द करने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है, ऐसे मैं मानता हूँ। वैसे इस ट्वीट के बाद मोदी जी फिर कई देशों से आगे निकल गए, उन्होंने भी बाकी देशों की भाषाओं में ट्वीट किए हैं। देखिए, ये देखा आपने, लेकिन कहीं से भी स्पेलिंग मिस्टेक की शिकायत नहीं आई। अब बीजेपी वाले बहुत खुश हो रहे हैं, भैया खुश मत होइए आप लोग, नीदरलैंड के पीएम की हिंदी इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक वाली हो गई क्योंकि हिंदी उनके लिए विदेशी भाषा है। हमारे तो खुद के ही देश में तमिलनाडु में बीजेपी ने अमित शाह के स्वागत में जो हिंदी इस्तेमाल की वो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का पेट दुखने लगेगा। देखिए ना, देखा आपने, चांद चांदनी से होता है, सितारों से नहीं। श्री अमित शाह जी एक होते हैं, हजारों नहीं। चांद नहीं, तुम्हारे पीछे सांड छोड़ देना चाहिए, किसने ये हिंदी लिखवाई। नमस्ते, आगे बढ़ो। चलिए, अब जिनकी बात करूंगा उनकी बात करने से पहले थोड़ा माहौल बनाना चाहता हूँ और आपको इत्मीनान से समझाना चाहता हूँ कि KRK और पाकिस्तान, ये दोनों न सुधरने के मामले में अभी भी दूसरे और तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर न सुधरने के मामले में अब भी कायम है आजम खान जी, इनके लिए जोरदार गालियां बाबा, तालियां। मतलब इन्होंने एक बार फिर से एक विवादित बोलूं घटिया बोलूं घटिया, हाँ, एक बार फिर से घटिया बयान दिया है और बयान भी
उसी पर दिया है जिस पर घटिया बयान देने का फैसला चला। आई मीन इनसे पहले पार्था चटर्जी और संदीप दीक्षित ने भी आर्मी पर एक विवादित नहीं घटिया हाँ घटिया बयान आई मीन ये लोग दे चुके हैं। आजम खान ने क्या कहा अब इस पर ये सुनो। कई लोग फौजियों का बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी वो उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है। ये सुना आपने, मतलब आजम खान साहब लगता है दुनिया सिर्फ अपने बालों में शैंपू लगाती है लेकिन आप अपनी जबान पर भी लगाते हैं, मतलब जहां देखो फिसल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आजम खान इतनी विवाद घटिया इतनी घटिया बयानबाजी क्यों करते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की बुरी हार के बाद आजम खान साहब एकदम खाली बैठे, आगे की बात आजम खान खुद बताएंगे। बताइए सर, काम नहीं है तो आप क्या करें? काम नहीं है तो फिर ऐसी घटिया बयानबाजी करेंगे? हम और आप यहाँ चैन की सांस इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि हमारी फौज हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है। ये बात नहीं है, अगर फौज ना हो तो आप पड़ोसी दुश्मन देशों से कुछ इस तरह टकरा रहे होंगे, इस तरह। देखा, आजम खान साहब के बारे में मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया, और वो यही कि जब आजम खान साहब पैदा हुए थे तो इनके घर वालों ने इनका नाम विवादित बयान रखा था, आजम खान नहीं विवादित बयान, लेकिन बाद में पारिवारिक दबाव के चलते नाम चेंज करना पड़ा। जैसे प्रमोशन मिलने पर हमारे फौजियों की वर्दी पर स्टार्स और मेडल्स लगते हैं, उसी तरीके से मेडल अगर विवादित बयानों पर लगते तो आजम खान साहब को आज कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका पूरा शरीर मेडल और स्टार से ढका होता। क्यों सर, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया ना आपको, मूव, थैंक यू। चलिए भैया, अब बारी होती है हमारे उस सेगमेंट की जिसे देखने के लिए हर कोई तैयार बैठा रहता है, और अगर उसका देखना मिस हो जाए या फिर रिमोट किसी और के हाथ में चला जाए और चैनल बदलते बदलते गलती से हमारा सेगमेंट दिख जाए तो आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। इंटरव्यू वाले सेगमेंट में उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जो इतनी सीटें जीतकर सीएम बने जितने टेस्ट क्रिकेट में रन बना करते हैं। इसे जोरदार तालियों से स्वागत करिए, 100 दिन पूरे कर चुके उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। सर जी, रौनक का प्रणाम स्वीकार करें, फन की बात में आपका स्वागत है। आपने प्रोग्राम देखा है? मैंने देखा। अच्छा, सही में एक बार फिर से बोलिए ना। मैं इस बात को देखता हूँ। इस बात को नहीं सर, फन की बात को। है मेरा काम लोगों को हंसाने का है, लेकिन मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ क्योंकि ये वो मंच है जहाँ पर आपके द्वारा कही गई बात आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। बिल्कुल मार्गदर्शन है। वैसे सर, उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा यूरोप समा जाए आपके उत्तर प्रदेश में। कही आपने बात की। वैसे विधानसभा कितनी बड़ी है उत्तर प्रदेश की? इतनी बड़ी विधानसभा, इतनी बड़ी विधानसभा, इतनी बड़ी, ये देख करके मुझे राहुल गांधी जी याद आ गए। उनसे भी एक बार किसी ने पूछा था कि कितना बड़ा बच्चा था, तो उन्होंने क्या कहा? एक छोटा सा बच्चा था, शायद इतना बड़ा। मतलब इतना छोटा बच्चा होता है और इतनी बड़ी विधानसभा होती है। बताइए योगी जी, इस पर सोचने की आवश्यकता। बिल्कुल, और सोचने वाली एक बात और भी है कि उसी इतनी बड़ी विधानसभा के, इतने बड़े कैंटीन के, इतने बड़े टीवी पर मैंने सुना है किसी ने मेरा इतना बड़ा प्रोग्राम चला दिया जिसके कारण क्या हो गया पता है? इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्य ठप पड़ा रहा। वैसे कार्य ठप हो गया ये तो गड़बड़ हो गई, यह हम सब के लिए हर्ष का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। हर्ष का विषय भी है और गौरव का विषय, अच्छा मतलब हर्ष और गौरव दोनों का एक ही विषय है, मतलब हर्ष और गौरव दोनों ने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है। इतना गंदा जोक मारा, गंदा जोक मारा है? मैं जोक ही तो मार रहा हूँ ना, कश्मीरी पत्थरबाजों की तरह पत्थर थोड़ी मार रहा हूँ, भग जाए यहाँ से, बात कर रहा है। वैसे मैंने कभी पकाऊ जोक मारा है योगी जी? कभी नहीं। सही है सर। अच्छा सर, योगी सर आप क्रिकेट देखते हैं क्या? कभी नहीं। ठीक करते हैं, कोई कोई मैच ना बहुत देर तक चलता है इसीलिए शायद आप नहीं देखते होंगे, टाइम कहाँ रहता होगा आपके पास, है ना? वह भी एक कारण है। तो सर
सर, ये क्रिकेट न देखने वालों के मन में, मतलब आपके मन में मैच को लेकर कोई सवाल तो आता होगा। ये उंगली क्यों उठती है? उंगली क्यों? अच्छा, आप मतलब अंपायर से सवाल पूछना चाहते हैं कि उंगली क्यों उठती है। वैसे मेरा भी एक सवाल है, पूरे क्रिकेट के सिस्टम से ये सवाल है कि टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है। मेरे और योगी जी जैसे बिजी लोगों के पास टाइम नहीं होता मैच देखने का। वैसे कितने दिन तक मैच चलना चाहिए था योगी जी? वैसे कम से कम 90 दिन चलना चाहिए था। 90 दिन का मैच? वैसे 4 दिन में ही 3 देशों का दौरा करके, दौरा खत्म करके मोदी जी वापस भी आ गए, इस पर क्या कहेंगे योगी जी? कम से कम 90 दिन चलना चाहिए था। 90 दिन? वैसे शिवराज सिंह चौहान जी का उपवास देखा आपने? वो 1.5 दिन में उन्होंने उपवास तोड़ दिया, इस पे क्या कहेंगे? कम से कम 90 दिन चलना चाहिए था। 90 दिन चलना सही कह रहे आप। वैसे फन की बात, हमारा प्रोग्राम भी हफ्ते में 2 ही दिन चलता है, इस पे क्या कहेंगे? कम से कम 90 दिन चलना चाहिए था। नहीं सर, 2 ही दिन काफी है। और जिस तरीके से हमारा शो आगे बढ़ रहा है, एक न एक दिन हम पर किताब छपेगी, और ये किताब जब छपेगी तो सबसे पहले वो किताब कहाँ जाएगी? विधानसभा की लाइब्रेरी में जाएगी। विधानसभा की लाइब्रेरी में? वही विधानसभा जो कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी विधानसभा? देखा देशवासियों, विधानसभा कितनी बड़ी होती है, लेकिन जो बच्चा होता है वो कितना बड़ा होता है? राहुल जी, एक छोटा सा बच्चा था, शायद इतना बड़ा। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। इतनी बड़ी विधानसभा के साहब योगी जी और इतने बड़े बच्चे से मिलने वाले राहुल जी, इंटरव्यू में आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड, राहुल जी आपने कहा इतना बड़ा बच्चा, कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे थे? वैसे ये भी इतना ही बड़ा है, साइज में देखो ना, मैं आता हूँ आगे। है बड़ा धमाका, एकदम भारी आदमी। खैर, रौनक को दीजिए इजाजत, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां बजवा देता हूं मैं। ये नकली वाली तालियां बज रही है पीछे पीछे। शो को आपने पूरा झेला, देखा, लेकिन शो के बारे में कोई कमेंट, कोई सजेशन, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल, बिंदास लिख दीजिएगा। लेकिन पीछे पीछे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही है, कोई भी पोस्ट करना चाहे मोस्ट वेलकम। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, मंजिलें कदम चूमेंगी अगर खुद पे एतबार है। मंजिलें कदम चूमेंगी अगर खुद पे एतबार है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आप पर भी उसकी अपरंपार महिमा बरसती रहे। रौनक को दीजिए इजाजत, अगले शो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, जी न्यूज देखते रहिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद। आज साथ में उठा के ले चलते माइक, अच्छा कंधे पे रखें।